नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर मारवाड़ी समुदाय द्वारा सोमवार को मनाया गया जल झूलनी एकादशी से संबंधित है। सोमवार को भादो शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी के रूप में धूमधाम से मनाया गया। मौके पर शहर स्थित कई मंदिरों की ओर से भव्य झांकी निकाल नगर भ्रमण कराया गया। शहर के चौक बाजार स्थित दाकीनाथ मंदिर, राम जानकी ठाकुर बाड़ी, राधा कृष्ण मंदिर, महाजनपति स्थित सत्यनारायण मंदिर की ओर से पालकी में भगवान की मूर्ति साज सज्जा के साथ रखकर नगर परिक्रमा कराया गया। पालकी को भक्तजन कंधे पर लेकर भ्रमण कराते स्थानीय बिजली घाट गंगा घाट पहुँचे। वहाँ पुरोहित ने विधिवत रूप से गंगा पूजन कराया। मान्यता है कि इसी दिन यशोदा मैया बाल गोपाल को यमुना पूजन को ले गई थी। दूसरी ओर जल झूलना एकादशी पर निकली झांकी की पालकी के नीचे भक्तों की गुजने को लेकर होड़ मची रही। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान की पालकी के नीचे से गुजने वालों का दुख दर्द का भगवान नाश करते सुख में जीवन का आशीष देते हैं। इस मौके पर मारवाड़ी समुदाय के महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक, साहिबगंज, झारखण्ड। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय। धर्म शास्त्र के अनुसार जो वैदिक परंपरा चली आ रही है, जो हम लोग आदिकाल से मनाते आ रहे हैं, वही आज जल झूलनी ग्यारस, जिसे झूल ग्यारस भी कहते हैं, इसमें माता यशोदा अपने कान्हा को लेकर के गंगा जी आती है और गंगा में जलवा पूजन किया जाता है, आरती होती है, भक्तों को प्रसाद मिलता है। उसके बाद चारों मंदिरों को, जिसमें कि श्री सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, श्री हनुमान जी का मंदिर है और महावीर जी का, हनुमान जी का मंदिर है और जो है रामनाथ जी का मंदिर है और राधिका रमण का, चारों मंदिरों को एक साथ ला करके उनकी प्रतिमा को यहाँ ला करके स्नान एवं पूजन किया जाता है। और ये यही हमारा सनातन धर्म है। वेद शास्त्रों का अनुसरण करना ही हम लोग अपना कर्तव्य समझते हैं और यहाँ फिर अपना वापस जाकर के मंदिर में आरती होती है। पालकी के नीचे निकलने से स्वास्थ्य और क्या बोलते हैं धन और ऐश्वर्य और शांति एवं पारस्परिक प्रेम रहता है, यही हमारी मनोकामना है। Oh।
भक्ति में।